मथुरा जंक्शन के वेटिंग रूम में ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसिंग मशीन लगाई गई है। सोमवार को इसका उद्घाटन महिला कल्याण संगठन उत्तर मध्य रेलवे आगरा की अध्यक्ष गौरी श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस मशीन के द्वारा महिलाओं को सैनिटरी पैड आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय रेलवे द्वारा महिलाओं को सुख सुविधाएं प्रदान करने की ओर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसी के चलते मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर महिला यात्री प्रतीक्षालय में शिशु आहार केंद्र बनाया गया। उसी में महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए एक ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसिंग मशीन भी लगाई गई। इसका विधिवत उद्घाटन सोमवार को महिला कल्याण संगठन उत्तर मध्य रेलवे आगरा की अध्यक्ष गौरी श्रीवास्तव ने शिला पट्टिका का अनावरण करके किया। उद्घाटन से पूर्व मथुरा जंक्शन पहुंचने पर गौरी श्रीवास्तव का स्टेशन पर डायरेक्टर रवि प्रकाश व अन्य महिला अधिकारियों ने बुके भेंट करके स्वागत किया। इस मौके पर गौरी श्रीवास्तव ने बताया कि मात्र 5 रुपए में महिला की बहुत बड़ी समस्या का समाधान अब मथुरा जंक्शन पर इस मशीन से हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि नवजात बच्चों को दूध आदि पिलाने के लिए महिलाओं के लिए सुरक्षित और आरामदायक स्थान भी तैयार करा दिया गया है। आज मथुरा जंक्शन पे हमने एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया है। इससे हमारी बहनों और बेटियों और माओं सबको ही बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो कभी कभार ऐसी स्थिति में हम लोग फंस जाते हैं जो बहुत ऑकवर्ड होती है, तो उसके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी संस्कृति यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने ये लगाने में हमारी हेल्प करी है, उन्होंने इसको डोनेट किया है, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। कैसे वो लोग यहाँ से ये सब पैड प्राप्त कर पाएंगे, क्या सिस्टम है इसमें? ये बहुत इजी सिस्टम है, इसमें 5 रुपए का कॉइन साइड से डालेंगी एंड एक नॉब है उसको घुमाने से वो निकल आएगा। और 5 रुपए इतनी बड़ी सुविधा के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 24 आवर्स है। और ये जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर ये मशीन लगी है, ये बेबी फीडिंग रूम बनाया गया है। ऐसी माएँ जिनको अपने बेबी को फीड कराना है और बहुत भीड़ है, तो ये उनके लिए ये सुविधा है। और उसी रूम में ये मशीन लगाई गई है जिससे बाकियों को भी ये सुविधा प्राप्त हो।